गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट. सो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट नेम्ड रिचर्ड एच एब्राइट. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ हाउ एब्राइट बिकेम अ साइंटिस्ट. ओके, तो इस चैप्टर में हम रिचर्ड ब्राइट के बारे में रीड करने वाले हैं और हम देखेंगे कि वो क्या क्या क्वालिटीज़ थी जिसने उन्हें ग्रेट साइंटिस्ट में चेंज किया, उन्हें ग्रेट साइंटिस्ट बनाया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल चैप्टर. सो एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मल स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क. ओके, सो एट द एज ऑफ 22, सिर्फ वो 22 साल के थे. ठीक है, एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मल स्काउट ऑफ द ईयर, इट्स मीन ही वॉज अ मेम्बर ऑफ द स्काउट एसोसिएशन. ठीक है, वो स्काउट एसोसिएशन के मेम्बर भी थे. एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, जो पहले स्काउट मेम्बर भी रहे हुए हैं, उन्होंने जो ये साइंटिफिक दुनिया है, साइंटिफिक जो वर्ल्ड है, वहाँ पर एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि एक बहुत ही आश्चर्यचकित कुछ काम किया उन्होंने, सरप्राइजिंग वर्क किया. वो था विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क. और ये जो न्यू थ्योरी जब उन्होंने, आप कह सकते हो कि एक न्यू थ्योरी जब उन्होंने फाइंड आउट करी कि किस तरीके से जो सेल है वो काम करते हैं, सेल्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट है ना इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो जो ये जो सेल्स किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं, ये जो थ्योरी है जब उन्होंने पता लगाई, तो ये एक 22 ईयर के जब बच्चे ने ये जो पता लगाया, तो दुनिया जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई. रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. और ये जो रिचर्ड एच एब्राइट और उनके एक फ्रेंड थे जो उनके कॉलेज रूममेट भी थे, उन्होंने ये थ्योरी एक्सप्लेन करी इन एन आर्टिकल मैनर, इन आर्टिकल फॉर्म. उन्होंने इस आर्टिकल एक आर्टिकल में लिखा कि किस तरीके से सेल काम करता है. ठीक है, और वो जो जिस बुक में या जिस जर्नल में जो आर्टिकल लिखा है या पब्लिश किया था उन दोनों ने, वो थी जिसका नेम था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस. ये वो बुक थी जिसमें इनका जो आप कह सकते हो कि जो नया थ्योरी था हाउ सेल्स वर्क, वो पब्लिश हुआ. नाउ इट वॉज द फर्स्ट टाइम हिज इम्पॉर्टेंट दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट. और ये पहली बार था कि ये जो बुक थी, ये जो जर्नल थी, उसमें एक साइंटिफिक जर्नल जो थी उसमें पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट्स के, दो कॉलेज स्टूडेंट का वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था. तो ये रिचर्ड एच एब्राइट के लिए और उनके जो स्कूल मेट है, उनके जो जो कॉलेज मेट है, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. इन स्पोर्ट्स, अगर हम ये जो अचीवमेंट है उसको स्पोर्ट्स की नज़र से देखें, तो ये स्पोर्ट्स, ये जो अचीवमेंट है वो क्या है, लेट्स सी. In sports, that would be like making a big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. और ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप पहली बार किसी लीग में, मतलब स्पोर्ट्स क्लब या किसी टीम प्लेयर, आप टीम में आप एज अ प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं और 15 साल के बच्चे हैं आप, और जिस बेसबॉल में होम रन होता है, मतलब जिस तरीके से क्रिकेट में हमारा जो सिक्स होता है उसको हम बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, उसी तरीके से होम रन है बेसमेंट में. ठीक है, वो बहुत, आप कह सकते हो कि बहुत ही ग्रेट टास्क होता है. तो वो पहले अपने बल्ले से पहली बार जिस तरीके से कोई होम रन बेसबॉल में मारता है और उसको जितनी एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, उसी वही एक्साइटमेंट, वही सक्सेस जो है रिचर्ड एच एब्राइट को साइंटिफिक वर्ल्ड में उनको मिली है. फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. अगर मैं बात करूँ रिचर्ड एब्राइट की, तो ये जो फर्स्ट, ये जो पहला, और इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग, अब लाइन आने वाली थी अचीवमेंट की, ये पहला अचीवमेंट था और अब जो है आप कह सकते हो कि ही विल हैव लॉट ऑफ अचीवमेंट्स. ठीक है, अब उसकी उसकी लाइफ में है बहुत सारे लाइन ऑफ अचीवमेंट्स ही विल हैव इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे अचीवमेंट्स उन्होंने साइंस और दूसरे फील्ड में भी अचीव किए हैं. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई. सो ये सारे अचीवमेंट्स जो है, ये सारे अवार्ड्स जो है, ये जो फेम आप बोल सकते हो, ये जो फेमस वो हुए और साइंटिस्ट बने, वो सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, इट्स ऑल स्टार्टेड फ्रॉम बटरफ्लाइज.
ठीक है, तो उन्होंने बटरफ्लाइज के ऊपर स्टडी की थी। हम देखते हैं कैसे क्या बटरफ्लाइज का क्या रोल है रिचर्ड एचीब्राइट की लाइफ में। एंड ओनली चाइल्ड, ही वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, ठीक है, वो पेंसिल्वेनिया में रीडिंग जगह का नाम है, ठीक है, रीडिंग शहर का नाम है, वहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे उनका आप कह सकते हो ही वॉज ब्रॉट अप इन रीडिंग, ठीक है, उस जगह पे उनका आगे जो आप कह सकते हो कि उनकी उनका फर्दर वो वहाँ पे उन्होंने अपना जीवन है वो निकाला था, ठीक है, वहाँ पे वो बड़े हुए। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ठीक है, देयर वहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा करने को नहीं था, ठीक है, ही सेड, रिचर्ड ने खुद ने कहा कि वहाँ जब मैं बचपन में था तो वहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा करने को नहीं था। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, और क्यों वो कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे और वो शायद उनके आसपास बच्चे नहीं होंगे, हम क्योंकि उनके स्टेटमेंट से ये लग रहा है, स्टेटमेंट जो रिचर्ड ने दिया है कि क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं थे तो मैं फुटबॉल और बेसबॉल तो नहीं खेल सकता था, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज़ मैं कर सकता था और वो था कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को कलेक्ट करना, ठीक है। तो हम वैसे भी हमें पता है कि छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करने की हॉबीज़ होती है, अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करने में उनको इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है, तो उसी तरीके से जो आपके पास रिचर्ड एक्चुअली ब्राइट है उनको चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था। सो ही डिड, ऐसा ही उन्होंने किया, एंड डिड ही एवर, और आज तक है ना, आगे तक उन्होंने ये काम किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, ठीक है, जब वो केजी में थे, किंडरगार्टन क्लास में थे, तभी से इनका ये जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स था वो काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, और जो एब्राइट है उन्होंने उनको कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज, ठीक है, उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्शन स्टार्ट किया जब वो किंडरगार्टन स्कूल क्लास में ही थे, और बहुत डिटर्मिनेंट थे इस एक्टिविटीज़, जिस तरीके से अदर एक्टिविटीज़ होती है उसी तरीके से इस एक्टिविटीज़ के लिए भी वो बहुत डिटरमाइन थे। ओके, ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल एंड कॉइन्स, और इसके अलावा बटरफ्लाइज कलेक्ट करने के अलावा ही यूज़ टू कलेक्ट रॉक्स, फॉसिल एंड कॉइन्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रॉक्स और फॉसिल्स और कॉइन्स कलेक्ट करने का उनको शौक था। ही बिकेम एंड ईगल एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी जो उनका इंटरेस्ट है वो एक एस्ट्रोनॉमर की तरह भी था, ठीक है, वो तारों को देखते रहते थे पूरी रात को, ठीक है, तो उनको अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक था ना। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, पहली बात तो ये है, फ्रॉम द फर्स्ट है ना, अगर हम बात करें ना, तो ही हैड अ ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब मोटिवेशन है जो आपको हमेशा मोटिवेट कर सके, तो उनको बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी चीज़ें जानने की, उनको उनको उत्सुकता थी, ठीक है, और उसके साथ साथ उनका जो माइंड था वो बहुत शार्प भी था, ठीक है। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उनके साथ उनकी मॉम भी थी, उनकी मदर भी थी, और उनकी मदर का आप देखो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उनकी सक्सेस में, ठीक है, उनको मोटिवेट करने के लिए, सो उनकी मदर थी, वो भी उनको बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती थी कि वो चीज़ों में इंटरेस्ट लिए, क्योंकि वो कीन लर्नर थे, क्योंकि उनको चीज़ें जानने का बहुत शौक था, तो उसमें उनकी जो मदर है वो हमेशा उनके साथ थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, क्योंकि उनको पता था जो रिचर्ड एब्राइट है उनको ट्रिप्स पे जाना बहुत पसंद है, ठीक है, मतलब वो बहुत क्यूरियस है, तो उनको अलग अलग ट्रिप्स पे लेकर जाती थी, ब्रॉट हिम टेलीस्कोप, उनके लिए टेलीस्कोप लाती थी, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, माइक्रोस्कोप्स लाती थी, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल, माउंटिंग मटेरियल मतलब जिसका जिसके ऊपर आप ये होते हैं इक्विपमेंट टू बी पुट ऑन पेडेस्टल एक्सेट्रा, है ना, जिसके ऊपर आप कोई इक्विपमेंट रख सकते हो, स्टैंडिंग आप कह सकते हो, जो स्टैंड का काम करते हैं, तो इस तरीके के आप मटेरियल्स उनके लिए लाती थी ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जिसमें भी उनको इंटरेस्ट था, जो भी उनकी काम की चीज़ थी, ठीक है, वो उनकी मदर उनको ला के देती थी ताकि उनका इंटरेस्ट और बना रहे। Now, I was his only companion until he started school. ये किसका स्टेटमेंट है, ठीक है, रिचर्ड एब्राइट की मदर का स्टेटमेंट है, और वो कह रही है कि I was his only companion until he started the school. कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी ओनली कंपेनियन थी जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया था, तब तक his mother said,
आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स. जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया उसके बाद उसके जो फ्रेंड्स बनने लगे तब मैं उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी घर पे लेकर आती थी. बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. लेकिन रात का जो समय था वो हम दोनों का था. हम दोनों हर चीज़ रात को साथ में करते थे या साथ में रात को वक्त गुजारना पसंद करते थे. रिची हो सकता है वो उनका निकनेम हो सकता है वो प्यार से उनको रिची कहती हैं. रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड. और उसकी जो मॉम है वो क्या कह रही कि रिची मेरी लाइफ बन गया था, वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा था या वो मेरा जीवन था. कब से? जब से उनके जो फादर है उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद से उन्होंने पूरा जो ध्यान था वो रिची पे लगाया. और उनके जो फादर की डेथ है वो जब वो थर्ड ग्रेड में था तब हो गई थी. She and her son spent almost every evening at the dining room table. And what she's saying, she and her son, वो और उनका बेटा जो है हमेशा almost हर शाम को जो dining room है, ठीक है, table है उसके आसपास आप कह सकते हो कि dining table पे वो खाना साथ में खाते थे और काफ़ी बात करते थे. हम भी assume करते हैं कि ये जो वक्त था वो उन दोनों का था, ठीक है. If he didn't have things to do, और वो क्या बोली, जब उसके पास चीज़ें नहीं होती थी, काम करने को नहीं होती थी, ठीक है, I found work for him. मैं उसके लिए कोई ना कोई नई खोज लेकर आती थी, कुछ ना कुछ नया सीखने वाला काम लेकर आती थी. Not physical work. And what she is saying कि physical work में नहीं, मैं बात physical work की नहीं कह रही हूँ कि मैं घर का काम करवाती थी या उसे मतलब कपड़े धुलवाती थी, ऐसा कोई physical work वो नहीं करवाती थी उसे. ऐसी चीज़ें जिससे वो सीख सकें, राइट, बट लर्निंग थिंग्स. कैसी चीज़ें? कोई फिजिकल वर्क वो वहाँ उसको नहीं करवाती थी, ऐसा काम उसको देती थी, ऐसी चीज़ें ला के देती थी जिससे उसका जो लर्निंग कैपेसिटी है और लर्निंग आप कह सकते हो क्यूरियोसिटी है वो उसका इंक्रीज हो, एनहांस हो. हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न, ही लाइक्ड इट. और जो उनका जो बेटा था रिचर्ड, उसको बहुत रिचर्ड को बहुत पसंद आता था कि वो सारी उसको लर्निंग मतलब उसको सीखना बहुत पसंद था, वो जल्दी सीख जाते थे और उसको सीखना पसंद भी था. ही वॉन्टेड टू लर्न और उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने का शौक भी था. एंड लर्न ही डिड. एंड व्हाट शी इज सेइंग कि यस, उसे बहुत ज़्यादा सीखने का, कोई कुछ लोग होते हैं जिनको सीखने का बहुत मन होता है, वो हर समय कुछ ना कुछ सीखना पसंद करते हैं. और उसने भी बहुत कुछ, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी. ही लर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल. और उसकी जो उसकी स्कूल में भी ही अर्न, आई मीन, ठीक है, कि उसकी जो स्कूल में भी उनके टॉप ग्रेड्स आते थे. ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम स्टार्टिंग. और एवरी डे थिंग्स He was just like every other kids, his mother said. और दूसरी बात करें है ना, उसकी ग्रेड्स तो बहुत अच्छी आती थी. ही वॉज स्ट्रेट ए स्टूडेंट, हाँ हम यहाँ से पता कर सकते. लेकिन जो दूसरे काम हैं, ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जो जैसा काम करता है जैसे रहता है उसी तरीके से था, ठीक है. By the time he was in the second grade, जब वो second grade में था, Ebride had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. Okay? और जब वो second grade का था, ठीक है, Ebride जो थे उन्होंने all 25 species, कितनी in all 25 species उसने collect कर ली थी butterflies की, जो उनके घर के आसपास आप कह सकते हो थे मिलती थी, जो भी घर के आसपास उनके उनका जो होम टाउन था रीडिंग, वहाँ जो स्पीसीज, जो कॉमन स्पीसीज पाई जाती थी वो सारी उसने 25 ऐसी स्पीसीज है, जब वो सेकंड ग्रेड में थे, ओनली सेकंड ग्रेड में थे तब उन्होंने कलेक्ट कर ली. सी द फॉलोइंग यहाँ पे लिखा है बॉक्स में, तो ये कुछ है, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया, ठीक है. तो ये 25 कुछ ऐसी स्पीसीज है जो उसने कलेक्ट करी थी. नाउ That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children book called The Monarch, The Travel of Monarch X. And this is very important line, ठीक है. और ये जो उनकी मदर है, उनका क्या रोल है इस उनकी लाइफ में और उनको कैसे एज ए ग्रेट साइंटिस्ट वो मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है, लेट्स सी, ठीक है. दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माय बटरफ्लाई कलेक्शन, हो सकता है क्योंकि मैंने मेरे घर, मेरे जो होम टाउन है उसके आसपास जो जितनी भी
वैरायटी ऑफ स्पीसीज मिलती है वो मैंने कलेक्ट कर ली, उसके बाद में हो सकता है कि उनका काम खत्म हो गया, उनका इंटरेस्ट कम हो सकता था, ठीक है, कलेक्शन के प्रति उनका जो रुझान है, उनका जो इंटरेस्ट है वो कम हो सकता था। उससे पहले ही उनकी मॉम ने, उनकी जो मदर है, उन्होंने क्या किया, मेरी जो मदर थी उन्होंने एक बच्चों की बुक ला के दी जिसका नेम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ये बुक ला के उनको दी ताकि उनका जो इंटरेस्ट है या बटरफ्लाइज में जो रुचि है, वो फैसिनेशन है, वो आप कह सकते हो मेनटेन रहे, वो रहे। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, वो जो बुक थी उसमें ये बताया जाता था कि उस बुक में ये लिखा था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज है, एक स्पीसीज है बटरफ्लाई की, मोनार्क उसका नेम है, ठीक है, वो सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करती है, ये लिखा हुआ था उस बुक में। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और दिस वर्ल्ड, ये जो बुक थी उसने उनके, आप कह सकते हो कि जो मोनार्क बटरफ्लाई से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थी, ठीक है, जितनी भी ईगरनेस थी वो उनके मन में आ गई, मतलब ये बुक पढ़ने के बाद में वो बहुत ज़्यादा ईगर हो गए मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में जानने के लिए। Now at the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. अब ये जो बुक ख़त्म हुई उसके बाद उसके बुक के पीछे क्या लिखा हुआ था, जो भी रीडर्स थे उनको इन्वाइट किया गया था, इन्विटेशन दिया गया था कि वो बटरफ्लाई स्टडी, बटरफ्लाई माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन आपको पता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है जब जो बर्ड्स होते हैं या फिर इंसेक्ट्स जो है बटरफ्लाइज, यहाँ पे स्पेशली रिचर्ड ईब्राइट ने बात करी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ठीक है, ये जो आप कह सकते हो कि बटरफ्लाई माइग्रेशन के लिए लोगों को इनवाइट, रीडर्स जो है उनको इनवाइट भी किया था कि जो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए योगार्ड, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, एक रिसर्चर थे, डॉक्टर फ्रेडरिक योगार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने उन्होंने जो रीडर्स हैं, यंग रीडर्स हैं, उनको एक इनविटेशन दिया था कि वो जो बटरफ्लाई है उनको टैग कर सकते हैं, टैग मतलब आप कह सकते हो कि जिसमें स्टिकर्स लगा सकते हैं, कुछ लेबल्स लगा सकते हैं जिससे कि हम उनके बारे में, माइग्रेशन के बारे में और भी जान सकें। तो उनको इनवाइट किया था, जो कि कनाडा टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक आप कह सकते हो प्रोफेसर थे, उन्होंने एब्राइट्स मदर रॉट टू डॉक्टर योगार्ड एंड सून एब्राइट वॉज Attaching light adhesive tags to the wings of monarch, और जो उनकी मदर है उन्होंने लेटर लिखा कि वो इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनका जो बेटा है रिचर्ड वो इंटरेस्टेड है, और जल्द ही उन्होंने क्या देखा कि रिचर्ड जो है adhesive मतलब स्टिकर कह सकते हो, एबल टू स्टिक समथिंग है ना, स्टिकर्स जो है वो उनकी विंग्स में लगाने लगे monarch में, ठीक है, तो इस तरीके से उनका जो इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। Anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Yogart. Or jisne bhi. Anyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Yogart. Or kisi ko bhi agar, us pe ye bhi likha hua tha un stickers pe ki agar kisi ko bhi stickers milte hain to ye kisko bhej sakte hain, Dr. Yogart ko. The butterfly collecting season around reading last 6 weeks in the लास्ट समर, और यहाँ पे वो क्या बात करें, जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन होता है, ठीक है, रीडिंग में, ठीक है, उनके जो होम टाउन, उनका जो शहर है उसमें, वो लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर, लेट समर के जो लास्ट 6 वीक्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि तितलियाँ जो है, जो बटरफ्लाईज, उनको कलेक्ट कर सकते हो। सी ग्राफ बिलो, हम ये थोड़ा ये डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है, तो ये है नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स, तो ये कुछ 6 वीक्स में जो लास्ट 6 वीक्स होते हैं लेट समर के, उसमें कुछ कलेक्टेड बटरफ्लाइज है, उनका डाटा उन्होंने यहाँ पे शो किया है, नंबर कलेक्टेड और कौन कौन सी काइंड्स हैं बटरफ्लाइज की वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो बता रहे हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाई वन, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक एक करके, ठीक है, आप बटरफ्लाइज़ को या स्पीसीज़ को पकड़ेंगे, बटरफ्लाई स्पीसीज़ को पकड़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वो आपके हाथ में नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आप उनको नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई, तो उसने क्या डिसाइड किया कि एक एक करके तो मैं बटरफ्लाइज़ के बारे में नहीं जान सकता, तो उन्होंने क्या किया कि
नेक्स्ट स्टेप जो ईव लाइट का था वो ये था कि उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने आप कह सकते हो कि रेस किया एक फ्लॉक, मतलब ग्रुप ऑफ, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, आपको पता है कि जो फ्लॉक ऑफ है, ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज है, वो उन्होंने रेस करा, ठीक है। ये वो क्या था, फीमेल मोनार्क, और किस तरीके से वो रेस किया उन्होंने, मतलब ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज उन्होंने आप कह सकते हो कि बनाया या रेस किया, तो वो क्या करते थे, एक फीमेल मोनार्क को पकड़ के लाते थे, टेक हर एग्स, उसके एग्स लेते थे एंड रेस देम इन हिज बेसमेंट, ठीक है, और उनकी जो बेसमेंट है, ठीक है, वहाँ पे जो एग्स थे उनको एग्स ले करने देते थे और वहाँ पे उनको रेस करते थे। इस तरीके से बहुत सारी बटरफ्लाइज वो वहाँ पे उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और उस बेसमेंट में टेक हर एग्स एंड रेस देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उनका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, हर आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग बींग का एक लाइफ साइकिल होता है, बटरफ्लाई का भी एक लाइफ साइकिल है, तो उसके बारे में वो जो है बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करने लगे, ठीक है। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई, तो ये उनका जो लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का, वो है सबसे पहले वो एग बनता है, फिर कैटरपिलर, उसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, एंड देन फाइनली वो एक एडल्ट बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो लाइफ साइकिल, ये जो लाइफ स्पान है, जो लाइफ साइकिल है, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, इसको जानने के लिए उन्होंने मोनार्क फीमेल बटरफ्लाई को कैच किया और वो अपने बेसमेंट में उसको रेस करने लगे, और इस तरीके से उनके पास बहुत सारी बटरफ्लाइज हो जाती थी और उसके बारे में वो जानते थे। Then he would tag the butterflies wings and let them go. फिर वो क्या करते थे, उसमें टैग लगा देते थे, उनमें लेबल लगा देते थे, स्टिकर्स लगा देते थे, फिर उनको वहाँ से छोड़ देते थे या जाने देते थे। For several years, his basement was home to the thousands of monarchs in different stages of development. और बहुत several years, कुछ सालों के लिए कह लो आपकी उनका जो बेसमेंट था वो जो मोनार्क स्पीसीज है उनका घर बन चुका था, और डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वहाँ पे देखने को मिलता था, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जो आप कह सकते हैं वो देखने को मिलता था। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि उनको कुछ आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो इवेंचुअली धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत टीडियस वर्क था, बहुत थकाने वाला काम था और रिजल्ट ओरिएंटेड उनको नहीं लग रहा था, वी विल सी फर्दर, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगा। इट्स टीडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, एक तो बहुत ज़्यादा टायरिंग वर्क था ये, है ना, टायरिंग जॉब था, उसके बाद ये कि उनको बहुत ज़्यादा फीडबैक, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो उनको इस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आना था। ईव राइट सेड, इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, ओनली टू बटरफ्लाई आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, और क्या बोला है? ये जो सैवरल कुछ साल जब निकले थे वो हंस के क्या बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने को कि केवल और केवल दो बटरफ्लाइज मेरे को वापस मिली जिसको मैंने टैग किया था और मैं जिनके बारे में जानना चाहता था कि माइग्रेट कैसे होती है या क्या क्या उनके बीच इस दौरान होता है, तो ओनली और सिर्फ दो बटरफ्लाइज को उन्होंने वापस उनको मिली, रिकैप्चर किया उन्होंने वो भी, एंड दे आर नॉट मोर देन 75 miles फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और उन्होंने क्या कहा, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, ठीक है, दूर नहीं थी, मतलब वो भी मेरे घर के बहुत ही पास थी, वहाँ से मैंने उसको रिकैप्चर किया, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड ये वर्क नहीं था। नाउ देन इन द 7th grade ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। नाउ जब वो 7th grade में आए, ठीक है, हम 7th grade की बात कर रहे हैं, जब वो 7th grade में आए, ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, उसे तब पता चला कि साइंस है क्या, ठीक है, कैसे, जब वो एक रीजनल साइंस फेयर, काउंटी मतलब रीजनल कह लो आप, जब वो रीजनल साइंस फेयर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने वो जो पार्टिसिपेट करने के बाद जब वो हार गए, तब उन्हें पता चला कि रियल साइंस है क्या, ठीक है। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. और उन्होंने क्या कहा कि बहुत ज़्यादा sick feeling थी, बहुत ज़्यादा ill feeling थी, बहुत बुरी feeling थी, ठीक है, कि वहाँ पर वो बैठे रहे दुखी हुए और उनको कोई चीज़ नहीं मिली, कोई इनाम उनको कुछ reward नहीं मिला, और जब उनके सामने कोई और, जब सभी को इनाम मिल रहे थे, सभी को कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ वो वन कर रहे थे, कुछ ना कुछ वो जीत रहे थे, ठीक है, और उस समय वो हार गए, तो ये वाली जो फीलिंग थी वो बहुत दुखी फीलिंग थी या दुख करने वाली फीलिंग थी।
His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. उन्होंने जब इस फेयर में पार्टिसिपेट किया तो उनकी जो एंट्री थी या उन्होंने जो शो किया वो क्या था कि उन्होंने केवल जो फ्रॉग टिश्यूज़ थे, ठीक है, फ्रॉग टिश्यूज़ की जो स्लाइड्स थी वो माइक्रोस्कोप में दिखाई, विच ही शोड अंडर माइक्रोस्कोप. ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. और तब उन्हें पता चला जो विनर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कुछ रियल साइंस, कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ करके दिखाया था, कुछ प्रूव करके दिखाने वाला एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उनमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता, उसमें ज़्यादा आप कह सकते हो कि वो आप कह सकते हो कि वो जो विनर्स थे, ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिव थे, जबकि उनका जो आप कह सकते हो उनकी जो एंट्री थी वो केवल एक नीट एक सिंपल डिस्प्ले था टिश्यूज़ का. तो तब उनको समझ में आया कि रियल साइंस है क्या और किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है. नाउ Already the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा competitive spirit के थे, उनको आप कह सकते हो उनको जीतना, उनको competition में participate करना बहुत पसंद था. तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा motivate कर गई कि मुझे भी कुछ ऐसा कोई real experiment करके दिखाना है, ठीक है. I knew that for the next your fair I would have to do a real experiment. And ये जो बात जो अभी जस्ट हमने डिस्कस करी कि अब रिचर्ड ई ब्राइट को पता चल गया था कि नेक्स्ट जो फेयर होगा, ठीक है, उनमें उसमें उन्हें क्या करना है, उनको एक रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. और वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट जिसके बारे में जो सब्जेक्ट अब अगर आप कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो तो आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए वो सब्जेक्ट क्या था, वो सब्जेक्ट था इंसेक्ट, जिसके ऊपर मैं अभी बहुत कुछ सालों से काम कर रहा था. सो टुडे वी विल रीड अप टू हियर ओनली. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस about Richard and his success. Thank you. Have a nice day.